हमारी गाड़ी कितनी पुरानी होगी बेचारी। दादी ने सुबह इसकी पूजा कर दी है, ये देखो। तो दादी हमेशा दोनों गाड़ियों की पूजा करती हैं, इनकी भी ये देखो और इसकी भी की तो होगी। ये देखे कितना सारा सामान उठाया हुआ मैंने। तो निकल पड़े हमसे यहाँ से, और ये रहे हमारे चाचा जी। तो ये अब पहुँचने वाले हैं ब्रेड़ी। यहाँ से गाड़ियों का तो समझ आता है, बट बाइक का भी समझ आता है, पर साइकिल वाले क्या क्या हाल लोग जोड़े हैं यहाँ पे। पैडल ही मारता रहता होना। तो हम स्कूल में नहीं बनाते थे जैसे यहाँ पे पेड़ों की बनाई गई है। अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू है। गाड़ी हमारी इन मोड़ों का यही लफड़ा होता है। अब जाके आई रोड, इसलिए बोलते जोर की नींद आ रही है मुझे। ओहो, किसी ने अपनी बाइक नाले में घुसा दी है। पहुंच गए हम अपनी मंजिल पे। लॉग एडिट करके उसके बाद सुबह 4 बजे लाइट चली गई। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौन को बिजली वाला कौन था जो 4 बजे लाइट बंद करके उठा रहा था सबको। था कौन ऐसा बंदा जिसने स्विच बंद कर दिया सारे मोहल्ले का। मतलब 5 बजे उठ गई थी मैं पूरा, और 5 बजे के बाद फिर मैं तैयार लगी थी होने, तो 7 बजे निकले थे हम वहाँ से। वैन लगा हुआ है यहाँ से, अच्छी खासी हवा आ रही है यहाँ। गाड़ी के लिए कुछ लेके आई हूँ, तो थोड़ी देर में करते हैं उसका भी प्रबंध जब गाड़ी उतरने लग जाएगी। यार पूरी वीडियो देख लिया करो यार, इतनी मेहनत से बनाती हूँ मैं वीडियो भी। हाँ हम जा रहे हैं, अंकल जी ने बुलाया हमें, चाय वगैरह पिलाएंगे, पीनी पड़ती है क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ चाय, इतनी धूप में कौन पीएगा चाय, है ना। पर अंकल जी इतने प्यार से बुलाते हैं हम तो पी लेते हैं। चाचा जी की तो फेवरेट है चाय। वो दी डायरी हमारी गाड़ी रही, काफ़ी ज़्यादा धूप है अभी। नाखून टूट गए मेरे, एक टूटा ये वाला टूट गया, फिर इसके बाद मैंने सभी काट दिए क्योंकि मैं जो नील कलर लेके आई थी और नील पेंट भी लेके आई थी, तो मैंने सोचा था कि अपने हाथ में लगाऊंगी मैं नील पेंट क्योंकि गाड़ी में बैठ के बोर हो जाते हैं ना। तो कल के बाद जब हम जाएंगे तो सब्जी भी लेके आया करूंगी, यहीं पे काटा करूंगी, जस्ट किडिंग। और इसके बाद मैं बताया था पिछली वीडियो में, शायद नहीं बताया उन्होंने मैंने कि मैं ये अपनी गाड़ी के लिए लेके आई हूँ। हम ये वाले हटा देंगे क्योंकि इन पे जो मिट्टी बैठ जाती है, तो ये हम बचाई गंदी होगी डोली वापस से बिछा दी फिर से यहाँ पे। मैंने अपनी गाड़ी को नया लुक दे दिया है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अरे भाई खाना खा रहे हैं हम, खाना लगे अभी खाने हम, इतनी गर्मी है। बस 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 बहुत इतनी। चाचा जी ने देखा कितनी बड़ी बड़ी मिर्ची लेके आए हैं, देखे
बहुत अच्छी लग रही है ये ऐसे, अभी इस पे धूल वगैरह बैठेगी तो बाहर उठाई झाड़ी और खा ली, और चपाती पे घी लगा के आई हूँ नरम रहेगी और नरम रहेंगी, और देखो अभी तक नरम है। जैसे मैं नील पेंट लेके आई थी और मैं यहाँ पे नील पेंट लगा लिया क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री बैठी थी, तो देखे ये वाले नाखून मेरे टूट गए। फिर मैंने नील कटर भी लेके आई थी तो मैंने ये सब काट दिए यहाँ पे, है ना। कितना गंदे लगते जब नाखून टूट जाता है, इतनी नरम नरम स्किन निकलती है अंदर से, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, दर्द होती है। और अब मैं छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि आप लोग पूरे ब्लॉग नहीं देखते हैं मेरा। ऐसे कमेंट करके बताना कि आपको ये बेडशीट कैसी लगी जो कि हमने ट्रक में लगाई हुई है अभी, तो मैं पूरा आपको एक बार दिखाती हूँ इसको खड़े होके यहाँ से। तो ये देखिए आप, पूरा बेड लग रहा है ये, है ना। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये बेडशीट। इसका पिल्लो मैंने अपने रूम में लगाया हुआ है अब। और मेरे को आते टाइम एक लड़की मिली जो कि बाइक सीख रही थी। हर फील्ड में जाना चाहिए लड़कियों को, हर फील्ड में। हरियाणा आज हमने बोल पटी किए कौन गैस लगवान। हम पेट्रोल पंप पे अंकल भर रहे हैं पानी और चाचा पीछे डीजल डलवा रहे हैं, तेल नहीं बोलेंगे डीजल डलवा रहे हैं। उनके पाँव चला रही हूँ गाड़ी, देखो इतनी गर्मी है इस टाइम, इतना गर्म है ना पूछो मत। इतना ये देखें और बैठ रहा कौन उतरे नीचे नंगे पाँव, चप्पल मेरी उस साइड है क्योंकि, और मैं इस साइड बैठी हूँ अभी। Thank you.